दोस्तों आपको तो पता ही है, किन दिनों बॉलीवुड के गली बॉय यानी कि रणवीर सिंह अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सर्कस को लेकर काफी चर्चाओं में है, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई इस फिल्म के शूटिंग वाले पोर्शन में रणवीर सिंह का केवल एक दिन का काम बचा है, यानी कि बहुत जल्दी ही रणवीर सिंह इस फिल्म का काम कंप्लीट कर लेंगे। और उसी बीच में रणवीर सिंह को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आई है कि भाई रणवीर सिंह लोगों की किस्मत को बदलने के लिए टेलीविजन पर लेके आने वाले हैं इनामों का एक शो, जिसका नाम है बिग पिक्चर, जिसका प्रोमो हम लोगों के सामने आ गया है। उसके साथ इस बात की जानकारी भी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई आप इस शो को कलर टेलीविजन पर देख सकते हो। और भाई इस शो को लेकर सबसे बड़ी खबर जो हम लोगों के सामने आई है कि भाई रणवीर सिंह के तो वारे न्यारे हो गए हैं, यानी कि भैया उनके आने वाले शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान। तो दोस्तों रणवीर सिंह को लेकर बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है, लेकिन आज रणवीर सिंह के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है जो कि भैया करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से निकलते हुए आई है। यानी कि भैया भले ही करण जौहर का वो तख्त हिल गया जिसको लेकर खबरों का 2020 में गरम था कि भैया करण जौहर एक मल्टी स्टारर मूवी लेकर आने वाले हैं जिसका नाम है तख्त, और उसमें भी रणवीर सिंह का नाम जुड़ा था, लेकिन भैया फाइनली भले वो फिल्म ना बन रही हो लेकिन भाई रॉकी और रानी की कहानी को लेकर आने के लिए तैयार हो गए हैं करण जौहर। यानी कि भैया कल करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है जिसको लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि भाई भले ही उनकी आने वाली इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे बड़ी जानकारी जो बॉलीवुड से निकल के आई है कि भैया लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से भाई धर्मेंद्र साहब काम करते नजर आएंगे सबाना आजमी के साथ। यानी कि भैया इन दोनों की जोड़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा रॉकी और रानी की कहानी की मदद से। यानी कि भैया अगर हम लोग धर्मेंद्र साहब और सबाना आजमी की बात करें तो इन दोनों ने इससे पहले 1988 और 1970 में फिल्में की थी। यानी कि भैया एक फिल्म का नाम था बिच्छू और दूसरी फिल्म का नाम था मॉडर्न वाली बात। यानी कि भैया इन दोनों फिल्मों के माध्यम से ये जोड़ी कई सालों पहले सिनेमा घर में दिखी थी, और भाई अब जाकर इन दोनों को लेकर ये खबर सामने आई है कि भैया बॉलीवुड के ये दो दिग्गज और कहें तो भैया लेजेंड कलाकार एक साथ नजर आएंगे रानी और रॉकी की कहानी में। यानी कि भैया रॉकी और रानी की कहानी में, और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म में जया बच्चन भी नजर आने वाली है। यानी कि खबरों की माने तो भैया इस फिल्म में आलिया भट्ट के दादा और दादी का किरदार निभाएंगे धर्मेंद्र और शबाना आजमी, और वहीं पर भैया रणवीर सिंह की दादी का किरदार निभाएंगी जया बच्चन। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर कल बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई इन दिनों तो भैया गली बॉय के तो वारे न्यारे हो गए हैं। यानी कि भैया जब से उन्होंने अतरंगी सतरंगी वाले लुक में भैया फोटोशूट किया है ना, उसके बाद से ही हम तो कहें भैया उनके तो अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। यानी कि भैया हाल फिलहाल में ही उन्होंने एक फोटो शूट किया था जिसको लेकर कई सारे मीम्स हम लोगों ने देखे थे कि भाई लोग किस किस नाम से उन्हें नवाज रहे थे, लेकिन भैया रणवीर सिंह को लेकर मैं एक बात कहूंगा कि भाई वो बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार हैं जो कि धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जो है वो बॉलीवुड के सर्किट में जमाते जा रहे हैं। यानी कि भैया आज उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है कि जिसको लेने के बाद ये कहा जाता है कि भैया आने वाले वक्त में उनसे बड़ा स्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं होगा। और दोस्तों वाकई में वो जिस तरीके से किसी भी काम को बेफिक्र होकर करते हैं उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया एक कलाकार इसी तरीके से निडर होना चाहिए, बेफिक्र होना चाहिए, तभी वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो भाई आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भाई इन दिनों करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से आने वाली फिल्मों की जब घोषणा होती है तो उसके साथ ही कुछ गैंग जो है वो एक्टिव हो जाते हैं ये कहते हुए कि भाई क्या ये फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से बन रही है, तो भैया हम तो इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। तो भाई इस फिल्म के साथ भी क्या ऐसा होने वाला है, अपने कमेंट के माध्यम से ये भी हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।